द लल्लनटॉप क्विज शो। ये बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, सही जवाब है ये, सही जवाब। जैसे ही आप ये सुनते हैं लल्लनटॉप क्विज शो में, आपको लगता है कि ये जवाब मुझे पता था। अगर आपको पता है तो आप जवाब देने की बारी आपकी है, क्योंकि मैं खेलूंगा लल्लनटॉप क्विज लाइव लल्लनटॉप अड्डा पर तीनों दिन। आइए, आपका इंतजार है। लल्लनटॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स नई दिल्ली में। लल्लनटॉप क्विज शो में आज हमारे साथ हैं नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु से आदित्य वर्धन और सौरभ कुमार, पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद से रोहित सिन्हा और सूरज शर्मा, और आज की हमारी तीसरी टीम है मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर से निशांत रंजन और रवि रंजन वर्मा। बचपन से लेकर अब तक कितनी बार डांट पड़ी? क्यों? क्योंकि कहा गया जवाब देता है, जबकि हम सत्य के साथ थे, तथ्य के साथ थे। पर यहां दी लल्लनटॉप क्विज शो में जो सही जवाब देता है वही विजेता है। चलिए खेलना शुरू करते हैं हिंदी का, हिंदुस्तान का, कॉलेज लेवल का सबसे बड़ा क्विज शो दी लल्लनटॉप क्विज शो। डीप पर्व पर हो रहे इस दी लल्लनटॉप क्विज शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम रोशनी की बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे। सबसे पहले आप ये श्लोक सुनिए बृहदारण्यक उपनिषद से। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा मृतम गमय। असत से सत की तरफ जाएं, सत्य की तरफ जाएं, और अंधकार से रोशनी की तरफ जाएं, तभी हम अमरता को पाएंगे। ज्ञान की ये खोज, सत्य की ये खोज ही हमें अभिनव बनाती है, प्रगतिशील बनाती है। आइए सत्य की खोज एक बार फिर से शुरू करते हैं, दी लल्लनटॉप क्विज शो शुरू करते हैं। चलिए शो की शुरुआत में सबसे पहले मुलाकात करते हैं कंटेस्टेंट से, नहीं थोड़ा सा धीरे रखिए, सबसे पहले मुलाकात करते हैं संपादक जी से, वो जी जो हमारे कंटेस्टेंट के लिए वो जब जब जीके में कहीं फंसेंगे तो मददगार सिद्ध होंगे। और आज के हमारे जी संपादक जी हैं इंडिया टुडे ग्रुप के डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर कमलेश किशोर सिंह। डिजिटल का जलवा है, सवाल पूछेंगे, पर पहले ये देख लेते हैं कि आप जो सवारते हैं, संभालते हैं, वो है क्या। प्लीज प्ले द वीडियो। डिजिटल की जो तेज़ रफ्तार है, क्विक रफ्तार है, उसमें सब कुछ दिखा दिया गया। पर हमें ये पता है कि आपने शायरी की भी एक नई विधा इजाद की है, जिसे क्विक बंदी कहते हैं। ये हमारा दिवाली स्पेशल एपिसोड है, मैं चाहता हूँ कि आप क्विक बंदी सुनाएं हमें कुछ। क्विक बंदी शब्द ही इससे आया कि हम कविता तो करते नहीं, तुक बंदियाँ करते हैं जी। तुक बंदी बहुत क्विकली करने से क्विक बंदी हो जाती, बंदी बना। और तो अभी अभी इलेक्शंस खत्म हुए हैं जी, मैं आपको इलेक्शन का ही एक क्विक बंदी सुना देता हूँ। किसी गेंदे को गुलाब कह देंगे हम, हकीकत को ख्वाब कह देंगे, हश्र के दिन जब हिसाब होगा तब ईवीएम ही था खराब कह देंगे। क्या बात है, ये मशीन में गड़बड़ी खोजने वालों के लिए स्पष्ट इशारा है। और हमारे लिए इशारा क्या है कि अब टीमों से, प्रतियोगियों से मुलाकात की जाए। दी लल्लनटॉप क्विज शो के आज के एपिसोड की पहली टीम है बेंगलुरु से आई नेशनल लॉ स्कूल की टीम। बहुत बहुत स्वागत है आपका,
आदित्य और सौरभ, वकील बनने वाले हैं आप, काला चोंगा और ये मोहक मुस्कान, डबल मार पड़ेगी। आदित्य, हमें बताया गया कि आप फांसी की सजा के सख्त खिलाफ हैं। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि नैतिक तौर पर गलत है कि हम इंसान हैं, हमें सिखाया जाता है जान लेना गलत है, तो हम अगर अब कहते हैं बंदूक की नोक से या जज की कलम से हम फांसी, मतलब दो मौतों में हम तुलना कैसे कर सकते हैं कि एक सही है और एक गलत है। और अगर समाज ने एक आदमी को मुजरिम बनाया है तो समाज उस इंसान से सुधरने का मौका कैसे वापस ले सकता है। सौरभ, आपकी कई खूबियों के बारे में हमें बताया गया, लेकिन एक चीज थी जो ज्यादा लुभा गई कि आप चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को लेके कानून और मुकम्मल हो, क्या है इस सोच के पीछे? जी, स्पोर्ट्स लॉ इंडिया में बहुत कमज़ोर है, हमारे देश में बहुत कमज़ोर है। और आप देखेंगे अगर कि एक स्पोर्ट्समैन का करियर मैक्सिमम 5 से 6 साल का होता है अपने पीक करियर में, और उस समय अगर वो अपने फेडरेशन के साथ किसी केस में फंस जाता है तो उसके 4 साल करियर के कोर्ट में बर्बाद हो जाते हैं, वो पूरी उसकी उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन इंडिया में लाऊँ, स्पोर्ट आर्बिट्रेशन जिसमें स्पेशलाइज स्पोर्ट्स के जजमेंट होंगे और जल्दी होंगे। सो इस फील्ड में मुझे काम करने का बहुत शौक है और इसमें बहुत स्कोप है काम करने का, इसलिए। आपने देखा, दो अलग अलग रुचियों वाले लोग साथ आ गए नए नए विचारों के साथ, यही अभिनव भारत है, युवा भारत है। चलिए युवा भारत की दूसरी टीम से मुलाकात करते हैं। फरीदाबाद से आई पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज की टीम, जिसके मेंबर हैं रोहित और सूरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रोहित, आपका केस हिंदुस्तान के हर दूसरे नौजवान का केस है। घर वाले चाहते हैं पढ़ाई करो और बालक चाहता है कि क्रिकेट खेलो। रोहित, खेलों को लेके हमारे घर परिवार में इतना दुराग्रह क्यों होता है कि मत खेलो, बर्बाद हो जाओगे, समय की बर्बादी है? सर, रीजन तो एक मेन जो कारण इसका एक ही है कि करप्शन लेवल, मुझे ऐसा लगता है, बाकी का सोच मुझे नहीं पता, करप्शन लेवल काफी हद तक है। देखते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट का होगा उसका आगे जाएगा, पॉलिटिशियन का होगा उसका आगे जाएगा, जो गरीब है वो नीचे रह जाते हैं। सौरभ, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ताकि जो अगले रोहित हैं वो इस तरह की शिकायत ना करें। सूरज है हमारे साथ। सूरज की कई खूबियों में से एक खूबी ये है कि ये राष्ट्रीय स्तर के योगा प्रैक्टिशनर हैं। भाई साहब, हमारी ज़िंदगी में बड़ा तनाव रहता है, हम न्यूज़ वाले हैं, इन भाई साहब की भी रहता है, हमारे लिए कोई आप आसन बता दो आसान सा। कुछ नहीं करना, डेली 5 मिनट निकाल के अनुलोम विलोम कीजिए, वो सबसे बेस्ट है। पूरी दिन की जो हम मेहनत करते हैं वो उससे कवर हो जाती है, पूरे दिन की खबरें निकल जाएंगी, पूरे दिन की मेहनत कवर, जितना स्ट्रेस है वो अनुलोम विलोम से सारा बाहर निकल जाएगा। अनुलोम विलोम, सांसें बाहर, स्ट्रेस भी बाहर, योगा करने से तनाव दूर होगा। यस सर। चलिए बढ़ते हैं तीसरी टीम की तरफ जो आई है बिहार के मुजफ्फरपुर से। इस टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं निशांत और रवि रंजन, और इस टीम का नाम है मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत बहुत स्वागत आपका निशांत। आपका उद्देश्य बहुत पवित्र है और मैं जब भी दुआ में हाथ उठाऊंगा तो आपके लिए, आपके उद्देश्य के लिए जरूर दुआ मांगूंगा। मैं चाहता हूं कि आप पूरे देश को बताएं क्या है आपका उद्देश्य। उद्देश्य तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं, इंजीनियरिंग का छात्र हूं। हमारे बिहार में फ्लड का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं, नेता कहते हैं, पूरा देश कहता है कि ये तो हर साल का सिचुएशन है, तो उस पर ज़्यादा फोकस किसी का जाता नहीं है। बट ऐसा कोई परमानेंट ऐसा कुछ इसका सोल्यूशन हम बना सकें तो ये बहुत ही अच्छा होगा। मैं सिविल ब्रांच से हूँ तो मैं कुछ ऐसा रिसर्च करना चाहता हूँ जैसे जिसमें वाटर ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, वाटर इरिगेशन सिस्टम, ये सब मैं वहाँ से सही कर सकूँ सर। जल प्रबंधन के स्तर पर बिहार बेहतर हो ताकि कोई ये ना कहे कि ये तो हर साल का हाल है। निशांत, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अपने इस लक्ष्य की सिद्धि करें और खूब सारे नौजवान बिहार के, देश के इसमें आपके साथ जुड़े। रवि रंजन जी, कविताएँ लिखते हैं, हमारे दर्शकों को कौन सी कविता सुनाएंगे आप? सैड लव पोएम। सैड लव पोएम, गम भरे गीत, सुनाइए। मैंने प्यार की शुरुआत कुछ यूं की थी, दिल दे दिया था जान अभी बाकी थी। मैंने प्यार की शुरुआत कुछ यूं की थी, दिल दे दिया जान अभी बाकी थी। वो हमसे बार बार कहा करती थी, प्लीज दिल पे मत लेना मेरी बातों को, क्योंकि दिल तो उसे लगानी नहीं थी। हम निकलते हैं अब क्विज शो के अपने असली सफर पर। परिचय पूरा हो गया है, सवालों और जवाबों का दौर शुरू करने का वक्त आ गया है। पहला पड़ाव, पहला मोर्चा जिन पर
इन महारथियों के हुनर का इम्तिहान होगा, उसका नाम, चूंकि आखिरी टीम मुजफ्फरपुर से है, बिहार से है, मेरे दिमाग में भी वही घूम रहा है और घूम रही है लिट्टी। तो एक जरा क्विक बंदी करते हैं कमलेश जी से इजाजत लेके। लिट्टी में होता है सत्तू और पहले मोर्चे का नाम है खबरवट्टू। इस राउंड में बजर का इस्तेमाल करते हुए हर टीम को दी गई न्यूज स्ट्रीम से एक सेट चुनना होगा और कोशिश करनी होगी कि चुने गए सेट के तीनों सवालों का सही जवाब दें। हर सवाल के 100 अंक हैं। किसी भी एक सवाल पर टीम संपादक जी से मदद भी ले सकती है और मुश्किल में पड़ने पर टीमें जवाब को उल्टा पुल्टा करके भी देख सकती हैं। लेकिन इस सूरत में सही जवाब पर सिर्फ 50 अंक दिए जाएंगे। किसी भी सहायता के बिना तीनों सवालों के सही जवाब देने पर टीम को 100 अंकों का बोनस भी मिलेगा। इस राउंड में गलत जवाब देने पर अंक नहीं काटे जाएंगे। खेलने को तैयार? हाथ बजर पर रखें। आप तीनों टीमों ने नियम सुन लिए, तैयार हैं बजर के साथ? Yes. चलिए, आपके लिए तीन तीन विषयों वाले समूह के विकल्प स्क्रीन पर ये रहे। MIT मुजफ्फरपुर ने सबसे पहले लाल बजर दबाया है और जिन विषयों का चुनाव किया है वो है अर्जुन अवार्ड, रानू मंडल और असम। तैयार हैं? पहला विषय अर्जुन अवार्ड और उससे जुड़ा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर प्रकट होता है। अब 2019 में किस महिला क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड दिया गया है? पूनम यादव। या ये बिल्कुल सही जवाब है रवि रंजन। अर्जुन अवार्ड भारत में खेलों के लिए प्रतिष्ठा के स्तर पर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार, 60 के दशक से ये दिया जा रहा है। चलिए, आपने दूसरा विषय चुना रानू मंडल और उससे जुड़ा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। पश्चिम बंगाल की रानू मंडल का एक प्यार का नगमा है गाते हुए, वीडियो वायरल हुआ है, ये गाना किस हिंदी फिल्म का है? एनाग्राम। शोर आपका जवाब है। ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, तीसरे विषय पर बढ़ते हैं जो आपने चुना और वो है असम, और असम से जुड़ा सवाल सामने ये रहा। भारत के किस राष्ट्रपति के परिवार के सदस्यों का नाम NRC की फाइनल लिस्ट में नहीं था? समय की कमी है। संपादक जी घड़ी रोक दी जाए। बताइए संपादक जी, क्या है आपका जवाब? फखरुद्दीन अली अहमद। कह रहे हैं संपादक जी फखरुद्दीन अली अहमद। हाँ, MIT मुजफ्फरपुर फखरुद्दीन अली अहमद संपादक जी की सलाह पर अमल कर रहा है और ये बिल्कुल सही जवाब है। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 में हमारे देश के राष्ट्रपति बने और ये वही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इमरजेंसी के कागजों पर दस्तखत किए। आपने तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं लेकिन आपने लाइफलाइन का इस्तेमाल किया है, इसलिए अंक तालिका में आपके नाम के आगे जुड़ते हैं 250 पॉइंट्स। NLS बेंगलुरु और JLN कॉलेज फरीदाबाद, आप तैयार हैं? चलिए, आपके लिए विषयों के विकल्प ये रहे। NLS बेंगलुरु, लाल बत्ती दबा दी है। चलिए, आपने विषय चुने हैं कप्तान, कांग्रेस और आत्मकथा। चलिए, कप्तान से जुड़ा सवाल स्क्रीन पर ये रहा। सितंबर 2019 में अफगानिस्तान का कौन सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र का कप्तान बन गया? राशिद खान आपका जवाब है और ये सही जवाब है। सितंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में राशिद खान कप्तान बने और उन्होंने जिम्बाब्वे के टेरिंडा टाइबू का रिकॉर्ड तोड़ा था। चलिए, आपका कांग्रेस से जुड़ा सवाल स्क्रीन पर ये रहा। ये कांग्रेस की पूर्व महिला नेता, इनका और इनके पति जो नेता हैं, दोनों का नाम एक है, इनका नाम बताइए। संपादक जी समय रोक दीजिए। संपादक जी मदद करिए। नवजोत सिद्धू। आपका जवाब है। संपादक जी की सलाह दुरुस्त थी।
तीसरा विषय आपने चुना आत्मकथा और उससे जुड़ा सवाल स्क्रीन पर यह रहा, माय लाइफ माय मिशन किसकी आत्मकथा है? एनाग्राम प्रकट किया जाए। रामदेव बाबा। ये बिल्कुल सही जवाब है। बाबा रामदेव के जीवन की कहानी, पतंजलि के बनने की कहानी उनकी इस किताब के जरिए लोगों के सामने आई। नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु, आपने जुटाए हैं 250 पॉइंट्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज फरीदाबाद तैयार? यस सर। ये रहे आपके स्क्रीन पर विकल्प। लाल बजर दब गया और विषय चुने गए ट्वीट, भारतीय वायुसेना और फिल्म। चलिए पहला विषय आपने चुना ट्वीट और उससे जुड़ा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, इस तस्वीर में दिख रहा ट्वीट किसने किया था? ऑफिशियली द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रेंडिंग टेलीवाइज्ड इवेंट विथ 3.6 बिलियन इंप्रेशंस, बीटिंग सुपरबोल 53 विच हैड 3.4 बिलियन सोशल इंप्रेशंस। थैंक यू एवरीवन हु ट्यून्ड इन #PM Modi ऑन डिस्कवरी मैन वर्सेस वाइल्ड इंडिया। आप लाइफलाइन यूज कर सकते हैं। संपादक जी मदद करिए। बेयर ग्रिल्स आपका जवाब है और ये सही जवाब है। चलिए अब नजर डालते हैं आपके चुने हुए दूसरे विषय पर। आपने चुना भारतीय वायुसेना और भारतीय वायुसेना से आपके हिस्से का सवाल ये रहा, फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक का कोड नेम क्या था? ऑपरेशन बंदर आपका जवाब है और ये सही जवाब है। 14 फरवरी के पुलवामा हमले के 12 दिन बाद बालाकोट में ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। आपके चुने हुए तीसरे विषय की तरफ बढ़ते हैं। ये विषय है फिल्म। फिल्म से जुड़ा सवाल स्क्रीन पर ये रहा, किस हिंदी फिल्म को ब्रिटिश अखबार गार्जियन ने 21वीं सदी की 100 सबसे बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट में शामिल किया है? गैंग्स ऑफ वासेपुर। बिल्कुल सही जवाब है ये। इस जवाब के साथ आप पॉइंट टेबल में पहुंच गए हैं 300 पॉइंट्स पर। पहला राउंड यहां पर पूरा हुआ। तीनों ही टीमों की अंक तालिका के सामने अलग अलग कोटि के परिमाण के अंक प्रतिदीप्त हो रहे हैं। एनएलएस बेंगलुरु और MIT मुजफ्फरपुर हैं 250 पॉइंट्स ईच के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर टाई के साथ, और पहले नंबर पर है जवाहरलाल नेहरू कॉलेज फरीदाबाद 300 पॉइंट्स के साथ। अभी पहला इम्तिहान है जो बीता है, पर कई इम्तिहान बाकी हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे जरूर मिलेंगे। देखते रहिए द लल्लनटॉप क्विज शो। तुम मुझे टैलेंट दो, मैं तुम्हें मंच दूंगा। लल्लनटॉप अड्डे का मंच जिस पर खड़े होकर तुम गाना गा सकते हो, स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हो, मिमिक्री कर सकते हो, कोई मजेदार किस्सा सुना सकते हो, कविता सुना सकते हो। लल्लनटॉप अड्डा जहां तुम पेंटिंग कर सकते हो, स्केच बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारी कलाकारी को आसमान पर पहुंचा दे। साथ में जीत सकते हो मौके पर लाखों के इनाम। तो फिर आइए लल्लनटॉप अड्डे पर दिखाइए अपने हुनर का कमाल। लल्लनटॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स नई दिल्ली में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दी लल्लनटॉप के शो में। आज माहौल दिवालीमय है और इसीलिए बार बार राम जी याद आ रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं यानी युक्त होना, साथ होना, कभी राधा कृष्ण का कभी राम सीता का, ये जोड़ीदार होना ही हमें मुकम्मल बनाता है, पूर्ण बनाता है। हमारी लय, हमारे ताल, हमारे संतुलन, हमारे समन्वय का ये इम्तिहान है। और लल्लनटॉप के क्विज शो में अब बारी है
जोड़ीदारों की परीक्षा की, लेकिन उससे पहले एक क्विक नजर अंक तालिका पर। एनएलएस बेंगलुरु और एमआईटी मुजफ्फरपुर हैं 250 पॉइंट ईच के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर टाई के साथ, और पहले नंबर पर है जवाहरलाल नेहरू कॉलेज फरीदाबाद 300 पॉइंट्स के साथ। आपने पॉइंट देख लिए, दूसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं, पर इन पॉइंट्स में जिस व्यक्ति की अहम भूमिका रही उन संपादक जी से जान लेते हैं क्या है उनकी संपादकीय टिप्पणी। गेम का पहला मोर्चा आपने देखा, क्या कहना चाहेंगे? तीनों टीमें अच्छा खेल रही हैं और जो भी इन्होंने मुझसे मदद मांगी वो शायद कंफ्यूजन में मांगी, उनको ज्यादातर पता था पर संशय था, इसलिए आपकी शरण में आए। चलिए अब संशयों के पार जाने का वक्त आ गया है, अब जोड़ीदार सेगमेंट खेलने का वक्त आ गया है। इस राउंड में हर एक टीम को एक सवाल दिया जाएगा। आपको स्क्रीन पर एक विषय से जुड़ी 5 तस्वीरें और उसके 8 संभावित विकल्प दिखेंगे। टीमों को 5 तस्वीरों को उनके सही विकल्प से मिलाने के लिए 75 सेकंड्स का वक्त मिलेगा। हर एक सही मिलान के लिए 50 अंक मिलेंगे। टीम का एक सदस्य इंटरनेट पर गूगल बाबा के जरिए सही जवाब तलाश सकता है। इस चुनौती के अंतिम 30 सेकंड में संपादक जी की मदद भी ली जा सकती है। अगर आप संपादक जी की मदद के बिना सभी जोड़ियां सही बना देते हैं तो आपको मिलेंगे बोनस के 100 अंक। तो जोड़ी बनाने के लिए तैयार हैं आप? अब सवालों और जवाबों की जोड़ी बनाने का वक्त आ गया है। नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु तैयार हैं आदित्य और सौरभ, और आपके लिए स्क्रीन पर जोड़ीदार का सवाल ये रहा। आपको ब्रांड्स को उनकी पेरेंट कंपनी से मिलाना है, पर उससे पहले आपको ज्ञान के अड्डे पर अपने एक साथी से मिलाना है, कौन आएगा? मैं वहां जाऊंगा, सौरभ यहां रहेगा। आदित्य यहां पर आएंगे, सौरभ वहां रहेंगे और ये सौरभ भी वहां जाएंगे। आइए आदित्य। चलिए सवाल आप देख चुके हैं, ब्रांड्स और पेरेंट कंपनी, 5 ब्रांड स्क्रीन पर ये रहे। पेटीएम, गूगल, लिंक्डइन, मार्वल स्टूडियो और व्हाट्सएप, और इनके लिए पेरेंट कंपनियों के 8 विकल्प स्क्रीन पर अवतरित होते हैं। अब पेटीएम 197, पेटीएम 197 कम्युनिकेशन, गूगल अल्फाबेट, गूगल अल्फाबेट इंक, लिंक्डइन सर्च करिए, बॉन्ड लिंक्डइन सर्च करिए, माइक्रोसॉफ्ट सही जवाब है, यही लॉक करें। माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट्सएप, WhatsApp, Facebook। आप आदित्य आप बता रहे हैं जवाब? हाँ। क्या है जवाब? WhatsApp, Facebook। WhatsApp, Facebook। Marvel Studio। क्या हो सकता है जवाब? 4 विकल्प स्क्रीन पे दिख रहे हैं, Reliance, Alibaba, Fox और Walt Disney। Fox और Walt Disney में से कोई एक ही होगा। Fox और Walt Disney में से कोई एक होगा। मैं कर रहा हूँ Google। कौन हो सकता है आपके साथ से? अगर मैं गेस करूँ तो? गेस करें तो Walt Disney। Walt Disney। 30 सेकंड है, आप संपादक की मदद भी ले सकते हैं, लेकिन आपके साथ ही आदित्य ने बताया Walt Disney। इसको लॉक किया जाए? लॉक किया जाए, 5 विकल्प लॉक किए जाए। आदित्य जी वापस अपने स्थान पर आए। आपने कहा पेटीएम 197 कम्युनिकेशंस, ये सही जवाब है। गूगल आपने कहा अल्फाबेट इंक, ये भी सही जवाब है। लिंक्डइन पे प्रोफाइल है आप लोगों का? जी। अच्छा, क्या वहीं से जॉब ऑफर वगैरह? अभी तो नहीं, अभी नहीं आ रहे हैं। बहुत टाइम है। टाइम है, लेकिन आपकी सफलता में समय नहीं है, ये बिल्कुल सही जवाब है। व्हाट्सएप, फेसबुक, व्हाट्सएप तो अलग कंपनी थी, खरीद लिया था फेसबुक ने, सही खरीद लिया था, सही जवाब। मार्वल स्टूडियो आपने वॉल्ट डिज्नी कहा, क्यों? मेरे ख्याल से अभी कुछ समय पहले टेक ओवर किया था वॉल्ट डिज्नी ने मार्वल को। अगर आप इस सवाल का सही जवाब देते तो आपको 100 बोनस पॉइंट भी मिलते, पर आपका जवाब बिल्कुल सही है। मार्वल स्टूडियो, वॉल्ट डिज्नी, 500 सवालों के सही जवाब, उसके 250 पॉइंट्स और 100 पॉइंट्स बोनस के। दूसरी टीम पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज फरीदाबाद की टीम, तैयार हैं रोहित और सूरज? यस सर। सवाल प्रकट किया जाए? यस सर। प्रकट किया जाए। आपको राजनेताओं को उनके उपनाम के साथ मिलाना है,
ज्ञान के अड्डे पर किसको मिलाएंगे? मैं वहां जाऊंगा और रोहित यहाँ पे आएंगे। चलिए राजनेताओं के लिए पांच विकल्प स्क्रीन पर ये रहे, नेल्सन मंडेला, शेख मुजीबुर रहमान, विंस्टन चर्चिल, मोहम्मद अली जिन्ना और बराक ओबामा। आठ विकल्प जिनमें से पांच सही विकल्प आपको चुनने हैं, स्क्रीन पर ये रहे। बताना चाहेंगे आप कोई कायदे आजम, क्या गूगल करना है? शेख मुजीबुर रहमान और आप बताएंगे मैं रिपीट कर। मुजीबुर रहमान क्या बोला? शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु। शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु। कायदे आजम जिन्ना। कायदे मिल्लत मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम, कायदे आजम, कायदे आजम, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम। बाकी बराक ओबामा थे, विंस्टन चर्चिल द ब्रिटिश बुलडॉग, विंस्टन चर्चिल, सूरज नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा। नेल्सन मंडेला और बराक ओबामा, सूरज को सर्च करना है। सूरज जल्दी, क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? 30 सेकंड है, अब आप संपादक जी की भी मदद ले सकते हैं, ये लाइफलाइन भी अब मौजूद है आपके लिए। नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, संपादक की लाइफलाइन, संपादक की मदद लेंगे। बताइए संपादक जी, क्या है आपकी मदद? नेल्सन मंडेला को मादीबा बोलते थे लोग। नेल्सन मंडेला को मादीबा बोलते थे, लॉक करें क्या? मादीबा। और बराक ओबामा तो बहुत क्लियर है, बैरी होगा। बराक ओबामा, बैरी, लॉक किया जाए। पांचों विकल्प लॉक किए जाए। आइए वापस आइए। आपने कहा शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु, कहां के नेता थे ये? बांग्लादेश के नेता थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये बिल्कुल सही जवाब है। मोहम्मद अली जिन्ना में आप कुछ कंफ्यूज लग रहे थे, पहले आप कायदे मिल्लत बोले फिर कायदे आजम बोले, क्योंकि ये पहले गवर्नर थे पाकिस्तान के, तो इस वजह से गवर्नर या गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, तो इस वजह से इन्हें कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। सही जाना जाता है, ये बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा जवाब आपका था विंस्टन चर्चिल द ब्रिटिश बुलडॉग, ये बिल्कुल सही जवाब है। नेल्सन मंडेला मादीबा, आइडिया नहीं था। मंडेला के बारे में नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा है, लेकिन उपनाम के बारे में, उपनाम के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज। रंग भेद की नीति 1993 में, गांधी इनके आदर्श थे, वर्षों ये जेल में रहे, सही है? सही है, बिल्कुल सही जवाब है ये। बराक ओबामा, क्या प्यार से आप उनको बैरी बोलते हैं? कभी सुना ही नहीं, आइडिया नहीं था इतना, आइडिया नहीं था। बराक ओबामा बैरी, बिल्कुल सही जवाब है। आपने पांचों सवालों के सही जवाब दिए, लेकिन संपादक जी की लाइफलाइन की मदद ली, इसलिए आपको मिलते हैं 250 पॉइंट्स। चलिए अब चलते हैं तीसरी टीम की तरफ, MIT मुजफ्फरपुर, तैयार है? सवाल दिखाए जाए। आपको टीवी धारावाहिकों को, टीवी सीरियल्स को उनके डायरेक्टर्स के साथ मिलाना है, पर उससे पहले ज्ञान के अड्डे से अपने एक साथी को मिलाना है, कौन होगा वो साथी? सर मैं ज्ञान के अड्डे पे जाऊंगा। निशांत जाएंगे और रवि रंजन यहाँ पे, रवि रंजन यहाँ रहेंगे, जाइए निशांत। टीवी धारावाहिकों के लिए पांच विकल्प स्क्रीन पर ये रहे, वागले की दुनिया, हम लोग, ब्योमकेश बख्शी, भारत एक खोज, शांति। चलिए आठ विकल्प स्क्रीन पर इन पांच टीवी धारावाहिकों के लिए निर्देशकों की शक्ल में ये रहे। बताइए आपने कोई सीरियल देखा है इनमें से? नो सर, सब सर्च करो, सब सर्च करो। या कोई अंदाजा, कोई आप गेस करना चाहेंगे? बागले की दुनिया, हम लोग, ब्योमकेश बख्शी, भारत एक खोज, शांति। पी कुमार वासुदेव, हम लोग, पी कुमार वासुदेव, हम लोग, हम लोग, पी कुमार वासुदेव। समय का सही इस्तेमाल करिए, और क्या हो सकता है? बागले की दुनिया, बागले की दुनिया, जल्दी, बागले की दुनिया, समय कम है, बताइए जल्दी। क्या लगता है, कुछ आप अंदाजा लगाना चाहेंगे? कुंदन शाह, बागले की दुनिया। आखिरी 30 सेकंड है, आप संपादक जी की भी मदद ले सकते हैं। ब्योमकेश बख्शी, ब्योमकेश बख्शी, लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे आप? ब्योमकेश बख्शी, आखिरी 15 सेकंड है, समय बीत जाएगा। दिवाकर बनर्जी, ब्योमकेश बख्शी, ब्योमकेश बख्शी, दिवाकर बनर्जी तो विकल्प ही नहीं है भाई।
लाइफ लाइन समय नहीं रुकेगा, बताइए संपादक जी। भारत एक खोज श्याम बेनेगल और यहीं पे समय भी खत्म होता है। आइए वापस निशांत जी, बढ़ते हैं आपके चुने हुए विकल्पों की तरफ। आपने बताया हम लोग पी कुमार वासुदेव, गूगल ने बताया, बिल्कुल सही बताया। वागले की दुनिया, कुंदन शाह, ये भी आपने गूगल किया। आपने ये सीरियल्स देखे नहीं है, आपसे वो काफी पहले के जमाने के सीरियल्स हैं, आप नए जमाने के हैं। कुंदन शाह भी पुराने जमाने के थे, लेकिन जो बात करते थे वो नई दुनिया के करते थे, और ये बिल्कुल सही जवाब है। आपने कहा संपादक जी की मदद से, भारत एक खोज श्याम बेनेगल। किसकी किताब थी ये भारत एक खोज? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बिल्कुल सही जवाब है। दो सवालों के आपने जवाब नहीं दिए, लेकिन हमारे दर्शकों को सारे जवाब जानने का अधिकार है। ब्योमकेश बख्शी, आपने कहा दिवाकर बैनर्जी, इसका सही जवाब है बासु चैटर्जी के डायरेक्शन में बना ब्योमकेश बख्शी, जिसमें रजत कपूर ने लीड रोल किया था। शरदेंदु बंदोपाध्याय का गढ़ा गया ये कैरेक्टर। और पांचवा और आखिरी सवाल था शांति, हिंदुस्तान के टीवी के इतिहास का, दूरदर्शन के इतिहास का पहला डेली सीरियल, दोपहर के 2 बजे आता था ये, इसका सही जवाब है आदि पोचा। आपने 3 सफल प्रयास किए, इसलिए आपको मिलते हैं 150 पॉइंट्स। आपने देखा कि रफ्तार किस तरह से आपको आगे पहुंचा सकती है, निरंतर संवाद हो जोड़ियों के बीच और वो अभीष्ट उत्तर हासिल कर सकें। उत्तर मिल गए हैं, एक तेज नजर डालते हैं पॉइंट टेबल पर। तीसरे नंबर पर है MIT मुजफ्फरपुर की टीम 400 पॉइंट्स के साथ। दूसरे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू कॉलेज फरीदाबाद की टीम 550 पॉइंट्स के साथ। और पहले नंबर पर NLS बेंगलुरु की टीम 600 पॉइंट्स के साथ। अभी मुझे क्या याद आ रहा है, जोड़ियों को सुनने के बाद, अंकों की स्थिति देखने के बाद और टीमों की मना स्थिति देखने के बाद आ रहे हैं एक विद्वान जो लिख गए हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरज रखिए, कहीं मत जाइए, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहानी किसी ने कही, बहुतों ने सुनी। क्या आपके पास कोई कहानी है, कहानी जो आपको लगता है कि पूरे मुल्क को सुननी चाहिए? ये कहानी आपको लखपति बना सकती है। लल्लन टॉप अड्डे पर आइए, मौके पर कहानी लिखिए और लाखों के इनाम जीतिए। लल्लन टॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नई दिल्ली में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दी लल्लन टॉप के शो में। ये आखिरी मोर्चा है, रफ्तार का मोर्चा है, तेजी से फैसले लेने का पड़ाव है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं अंक तालिका पर। MIT मुजफ्फरपुर 400 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज फरीदाबाद 550 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर, और NLS बेंगलुरु 600 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर। दिए जलते रहें, रोशनी फैलती रहे, हम अगले आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते रहें। लेकिन उससे पहले ज्ञान की रोशनी फैलाने वाले संपादक जी से एक क्विक सलाह, क्या कहना चाहेंगे टीमों को? चूंकि इस बार आपके गलत जवाब होने पर पॉइंट्स कटेंगे, तो अगर श्योर हो तभी दें, डाउट हो तो मत दें। शुरू करते हैं अब ज्ञान की होड़, क्योंकि इस सेगमेंट का नाम है ताबड़तोड़। इस राउंड में हम आपसे 7 ऑडियो विजुअल सवाल पूछेंगे। उत्तर देने के लिए कोई भी टीम बजर दबा सकती है। हर एक सही जवाब पर 100 अंक मिलेंगे और गलत जवाब पर 100 अंक काट लिए जाएंगे। आपको बजर दबाते ही जवाब देना होगा, वरना 100 अंक काटे जाएंगे। इस राउंड में सवाल पास नहीं होंगे।
तो आइए खेलते हैं ताबड़तोड़। टीमें तैयार हैं, अब गलतियां करने की गुंजाइश नहीं है, ये आखिरी पड़ाव है, विजेता का नाम पाना है, तय होना है। और पहला सवाल स्क्रीन पर, आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी, आपको बताना है कि ये कौन से अर्थशास्त्री हैं जो भोजन के अधिकार पर सभा कर रहे थे और इन्हें झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तस्वीर दिखाई जाए। एनएलएस बेंगलुरु, जॉन द्रेज आपका जवाब है और सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा, आपको बताना है कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाने वाली भारत की ये महिला क्रिकेटर कौन है। प्लीज प्ले द वीडियो। तो अब रन तो बनाने थे, विश्व कप है, विश्व कप में तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, तो तब मैंने सचिन तेंदुलकर साहब से समय लिया था और उससे बात करी। जेएलएन कॉलेज फरीदाबाद, तुरंत जवाब देना होगा वरना -100। जवाब नहीं है आपके पास। अंजू तक याद, आपने कहा अंजू, आपने देर से कहा, तय समय के बाद कहा और ये मुकम्मल जवाब नहीं है। सही जवाब था अंजुम चोपड़ा। कोई बात नहीं, अभी भी 5 सवाल बाकी हैं, उम्मीद मत खोइए, पॉइंट्स टेबल में जितना फर्क है उसे पाटा जा सकता है इन 5 सवालों के सही जवाब देके। तीसरा सवाल, आपको एक ऑडियो सुनाई देगा, आपको बताना है कि इस हस्ती ने अपना इकलौता लोकसभा चुनाव किस सीट से लड़ा था। प्लीज प्ले द ऑडियो। राजनीति केवल एक भावुक अवसर था और उसमें प्रवेश करने के बाद पता चला कि राजनीति और भावुकता जो है ये अलग अलग है, इसीलिए मैंने वहां से हार मान ली, त्याग पत्र दे दिया। जेएलएन फरीदाबाद, अरुण जेटली अमृतसर, आपने कहा ये आवाज अरुण जेटली की है, ये गलत जवाब है। जेएलएन ने कहा अरुण जेटली, जबकि सही जवाब था अमिताभ बच्चन, जो कि इलाहाबाद की लोकसभा से 1984 का चुनाव कांग्रेस आई के टिकट पर लड़े, अपने बचपन के दोस्त और कांग्रेस के अध्यक्ष और उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर लड़े। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, चौथा सवाल, आपको एक एक्टर नजर आएगा जिसने अनुराग कश्यप के साथ सत्या लिखी, इनका नाम बताइए वीडियो देखकर। एक फिल्म बन रही है सत्या, उसके लिए रामू आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, तो उसने एड्रेस बताया मुझे और बोला कि कल आप आ जाइए। एनएलएस बेंगलुरु, सौरभ शुक्ला इज द राइट आंसर। फिलहाल बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ, आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा, आपको बताना है कि ये इंडियन आर्मी के किस रेजिमेंट का मार्चिंग सॉन्ग है। प्लीज प्ले द वीडियो। जेएलएन फरीदाबाद, असम रेजिमेंट। आप 2 बार गलत जवाब दे चुके हैं, पर इस बार सही है। इस बार सही, आप कह रहे हैं कि इस बार सही है, वीडियो देख लेते हैं पहले। जेएलएन कॉलेज फरीदाबाद, आपका जवाब था असम रेजिमेंट और ये बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, अब आपको नजर आएगा एक वीडियो, आपको बताना है वीडियो में नजर आ रही पेंटिंग किस मशहूर हस्ती ने बनाई है। प्लीज प्ले द वीडियो। जेएलएन फरीदाबाद, ममता बनर्जी बिल्कुल सही जवाब है। आखिरी सवाल एक वीडियो की शक्ल में आपके सामने आएगा, आपको यह बताना है कि ये व्यक्ति जो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं किस संस्था के मुखिया हैं। प्लीज प्ले द वीडियो। टुडे द ग्रोथ हैज स्लोड डाउन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्लीज डू नॉट टेक इट दैट आई एम बिगिनिंग ऑन अ डिफेंसिव नोट बाय ट्राइंग टू जस्टिफाई व्हाटएवर इज हैपनिंग।
JLN फरीदाबाद आरबीआई गवर्नर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास शक्तिकांत दास पूर्व ब्यूरोक्रेट और अब आरबीआई के गवर्नर ये बिल्कुल सही जवाब है। सातों सवालों का सेटअप पूरा हो गया है एंड वी हैव अ विनर एनएलएस बेंगलुरु। आइए आइए आप लोगों की जोड़ीदारी काम आई, रिस्क नहीं लिया आप लोगों ने कोई भी ताबड़तोड़ में, क्योंकि हम लीड में थे तो हम लीड को खोने के लिए लीड गंवाना नहीं चाहते थे इसलिए डिफेंसिव खेले। सच बताऊं तो हमारा ये प्लान नहीं था कि बजर दबाना ही नहीं है, मगर वो लोग इतने तेज थे कि हमें मौका भी नहीं मिला। वो लोग इतने तेज थे जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, अच्छा खेले आप आखिरी में, लेकिन शुरुआत में दो गलत जवाबों की वजह से आप पॉइंट टेबल में नीचे चले गए। एमआईटी मुजफ्फरपुर आपने भी बढ़िया कोशिश की, याद रखिए ये सिर्फ एक अवसर है, अल्प विराम है, असफलताएं ये तय करेंगी कि सफलता के लिए आप कितने अनुभवी हो चुके हैं, कितने तैयार हैं। कमलेश किशोर सिंह जी आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई थोड़ी टिप्पणी? कांग्रेचुलेशंस। चलिए टीमों से मिलिए, आज के विजेता से आप मिलिए, अब बारी है आपको अलविदा कहने की। त्योहार का वक्त है, अब बारी है खुशियां मनाने की, पर क्या हमारे हिस्से की खुशियां किसी के हिस्से का गम बन रही हैं? क्या हम दिवाली के त्योहार पर शोर भरे पटाखे छुड़ाकर किसी के लिए असुविधा पैदा कर रहे हैं? क्या हम अपनी हवा में जहर घोल रहे हैं? क्या इस पैसे से जो हम पटाखों पर खर्च कर रहे हैं हम किसी ऐसे का घर रोशन कर सकते हैं पढ़ाई के जरिए या दिए के जरिए जिसकी जिंदगी में अब तक अंधेरा है? खुद से ये सवाल पूछिएगा जब भी नमन की मुद्रा में जाएं, जब भी श्रद्धा और भक्ति के भाव में जाएं, जब भी राम जी का घर लौटना याद करें। आखिरी में याद करिए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की कविता, आओ फिर से दिए जलाएं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीचि हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। दिया ज्ञान का जलता रहेगा, देखते रहिए दी लल्लन टॉप क्विज शो। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, शिवरात्रि। तुम मुझे टैलेंट दो मैं तुम्हें मंच दूंगा, लल्लन टॉप अड्डे का मंच, मंच जिस पर खड़े होकर तुम गाना गा सकते हो, स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हो, मिमिक्री कर सकते हो, कोई मजेदार किस्सा सुना सकते हो, कविता सुना सकते हो। लल्लन टॉप अड्डा जहां तुम पेंटिंग कर सकते हो, स्केच बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारी कलाकारी को आसमान पर पहुंचा दे, साथ में जीत सकते हो मौके पर लाखों के इनाम। तो फिर आइए लल्लन टॉप अड्डे पर दिखाइए अपने हुनर का कमाल। लल्लन टॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स नई दिल्ली में।